साहिबा के कॉलेज इवेंट में जा रहे हो अंगद? नहीं तो। क्यों? इनविटेशन पर तुम्हारा नाम देखा तो इसलिए पूछ लिया। तुम्हें पता है ना घर में क्या हो रहा है आजकल। ऐसे में तो कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। ऑफिस जाना जरूरी है इसलिए जा रहा हूँ, वरना वहां भी नहीं जाता। एनीवे बाय। अंगद भैया। कला जिंदगी जीने का तरीका है। वो कलाकारी है जो लोगों के दिलों से, उनकी भावनाओं से जुड़ता है। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि आपको इस इवेंट में अपने किसी साथी के साथ क्यों बुलाया गया है। वो इसलिए क्योंकि आपके साथी ही आज आपका सब्जेक्ट है। आप सभी को अपने अपने पार्टनर्स का पोर्ट्रेट बनाना है। वाओ, मजा आ गया। ग्रेट यार। एक और बात, इस असाइनमेंट के मार्क्स आपके फाइनल रिजल्ट में काउंट होंगे, तो इस बात का खास ध्यान रखेगा कि इस पोर्ट्रेट को कैसे दर्शाना है। एक साधारण सी तस्वीर भी अपने अंदर हजारों कहानियां सिमटे रहती है। हम सब उत्सुक हैं उन कहानियों को देखने के लिए। क्या हुआ? तुम्हारे पार्टनर कहाँ हैं? तुम तो वही हो ना, द मैरिड वन। तुम्हारे तो हस्बैंड आने वाले थे। सारा प्यार क्या सिर्फ शादी से पहले ही होता है? शादी के बाद सब खत्म। पता, पति ने धोखा दे दिया। आज खाना मत देना उसे। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। एक्सक्यूज मी, आप साहिबा मैम हैं? जी। आपकी फैमिली से वहां पे कोई आया है। तुम्हारे हस्बैंड नहीं होंगे। लगता है हालात की गंभीरता समझ आ गई उन्हें। अंगद आ गए। मतलब कि दुनिया है सारी, कौन किसी को रोता है। अक्सर वही धोखा देते हैं जिस पर यकीन होता है। कभी कभी जिंदगी में हम कुछ लोगों पर बहुत ज्यादा भरोसा कर लेते हैं और फिर वही लोग हमारा भरोसा भी तोड़ देते हैं, और फिर रिश्ते हमेशा के लिए बदल जाते हैं।